कहाँ बात कर ले बेटवा बड़वा आपकी बात तो छोड़ क्या छोड़ो यार। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सबका नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है प्रतिमा, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिमा ब्लॉग ग्रुप में। सो फ्रेंड, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और सबसे ज्यादा जरूरी है आप बहुत ही खुश रहें। शाम के 4:30 बज रहे हैं और मेरे चेहरे की स्माइल देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा। आज तारीख है 19, दिन है बृहस्पतिवार और मेरे घर में छोटी सी एक पार्टी है। हम ही 4 लोगों की पार्टी है, कोई बाहरी नहीं आने वाला है, और उस पार्टी में आप सभी लोग शामिल होकर हमारी खुशियों को बढ़ाएं, दोगुना करें। तो हमने सोचा अपना ब्लॉग शुरू कर देते हैं। आज आप लोगों से कुछ भी नहीं छिपाएंगे, सारा का सारा कुछ बताएंगे किस चीज की पार्टी है। तो 19 मई है आज। हाँ, और आज मेरे बेटे का बर्थडे है, सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए ये है। और उसके बाद जो मेरी खुशी है, उसकी खुशी यह है कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे 10K फॉलोअर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस खुशी में वो भी खुशी शामिल है। तो दो खुशियों की पार्टी एक दिन होगी आज 19 तारीख को, और इसी खुशी में हमने सोचा अपना ब्लॉग शुरू कर देते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मैं कोई भी पल ऐसे हैं जो आप लोगों के साथ न शेयर करूं, रोज ही शेयर करती हूं, तो आज तो मेरे लिए खास दिन है। तो सबसे पहले पार्टी के लिए तो खाना चाहिए होता है, बिना खाना के पार्टी कहाँ होती है। तो पार्टी की शुरुआत होगी कुकिंग से। शाम के 4 बजे हैं, मैं किचन में आ चुकी हूँ और अपना कुकिंग स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले हम खीर से शुरुआत करेंगे, पहले कुछ मीठा हो जाए उसके बाद शुरुआत होगी सारी चीजों की। तो सबसे पहले हम खीर बनाएंगे और आज अपनी जितनी सारी रेसिपी बनाएंगे किचन में, सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मुझे जितना एक्सपीरियंस है, मुझे जितना आता है, वो आप लोगों के साथ पूरा का पूरा शेयर करने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले खीर बनाने से शुरू करते हैं, पार्टी चलेगी, वीडियो बहुत लंबा होगा, हो सकेगा तो 2 भागों में डिवाइड भी करेंगे। अगर मैं बातें करने लग जाऊं तो मेरी बातें ही नहीं खत्म होगी, तो इसलिए बातों को विराम देते हैं और काम को शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ाई है, उसके बाद इसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है। जैसे ही देसी घी गर्म हुआ, 2 लौंग, 1 इलायची, हमने इलायची के फूल को खोल करके डाल दिया है, इसको अच्छा सा फ्लेवर आने देंगे घी में। और उसके बाद यहाँ पे चावल हमने धुल के रखा था, उसको डाल दिया। ये चावल बारीक बारीक है, जो चावल बड़े बड़े होते हैं ना, उनसे हमने निकाले हैं इनको, झाड़ के झन्ने से छोटे छोटे चावल। इसकी खीर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी बनती है। चावल को अच्छे से फ्राई किया है, उसमें दूध ऐड किया है। दूध ऐड करने के बाद इसको हल्का सा चलाएंगे, उसके बाद फिर सारा दूध ऐड कर देंगे। ये पूरा 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा, और इसको अच्छे से खौलाएंगे। कढ़ाई में खीर बनाने का एक फ़ायदा रहता है, खीर बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। उसके बाद दूसरी तरफ हम कुकर चढ़ाएंगे, इसमें चावल बनाएंगे। घी डाला है सबसे पहले 1 चम्मच, उसमें जीरा डाल दिया है, जीरा को अच्छे से क्रैक होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर गाजर डाला है और मटर डाली है। आज इसको 3D लुक देने के चक्कर में थोड़ा सा इसमें गाजर भी ऐड कर दिया। व्हाइट चावल और नारंगी रंग के गाजर होते हैं और हरी मटर, मतलब ये तिरंगा के 3 रंगों वाला चावल बन रहा है। एक तो चावल व्हाइट होता ही होता है, और इसमें हरी मटर है और नारंगी कलर का जो हमारा गाजर है वो है, तो इसको ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें हमने अच्छे से भून लिया था चावल को, उसके बाद पानी ऐड कर दिया है, थोड़ा पानी ऐड किया है, मतलब जितना चावल था उसी के अंदाज से पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, बस ढक्कन लगा देंगे, 1 सीटी आ जाएगी। इधर खीर में हम चीनी ऐड कर देंगे। खीर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है, कढ़ाई में जब खीर बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अच्छी बनती है, खोवा जैसे बनती है, ये बहुत ही ज़्यादा कढ़ जाती है खीर, तो गाढ़ी गाढ़ी हो जाती है, बहुत मतलब टेस्टी लगती है इस तरीके से कढ़ाई में बनाने से। भगोने वाली भी खीर अच्छी होती है, कभी कभी बनाते हैं, जब कम बनानी होती है तो भगोने में बनाते हैं, जब ज़्यादा बनानी होती है तो फिर कढ़ाई में बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको हमने बाउल में खाली कर दिया, ऊपर से इसमें काजू बादाम और हमने डाल दिया है किशमिश, और यहाँ पे हमारा चावल भी बनके तैयार है। तैयारी हमने शुरू कर दी थी 5 बजे से, 5:30 बजे से कुकिंग की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन पनीर वगैरह जो थे ना मार्केट से आए नहीं थे, क्योंकि ये 5 बजे आते हैं तो 5 बजे के बाद ही इनका मार्केट शुरू होता है, इनके ऑफिस की छुट्टी 5 बजे होती है, तो 5 बजे के बाद मार्केट जाते हैं, पनीर केक तभी लाते हैं।
पनीर आई है, इसको कट कर लिया है पीसेज में बड़े बड़े, इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा तेल डाला है कढ़ाई में, ज़्यादा नहीं डाला है, ये कम से कम 7-8 चम्मच बड़े चम्मच तेल होंगे, इतना ही डाला है। इसके बाद इसमें पनीर डाला है, इसको दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद इनको निकाल लेंगे, और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, गोल्डन एकदम नहीं किया है, थोड़ा सा ही हल्का फ्राई किया है। पनीर निकालने के बाद बस इसी कढ़ाई में खड़े गर्म मसाले, इलायची, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च डाला है, इसको अच्छे से भूनेंगे फ्लेवर आ जाए ताकि हमारे तेल में। मैं वैसे बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे जिस तरीके से बनाना आता है या फिर मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया है अदरक, सबसे पहले डाला है, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट बना के रखा है। पेस्ट में हरी मिर्ची है, लहसुन है, प्याज है, और टमाटर की प्यूरी अलग हमने बना के रखी। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से भूनेंगे, प्याज एकदम से अच्छे से भून चुकी है, उसमें इसके बाद टमाटर की प्यूरी डाली है। टमाटर की प्यूरी में हमने मसाले ऐड किए हैं, किचन किंग सब्जी मसाला, गर्म मसाला और क्या कहते हैं पनीर मसाला। ये चारों मसाले हमने टमाटर की प्यूरी में ऐड करके रखा था, भिगो के रखा था। उसके बाद मसाले को अच्छे से भूनेंगे, इसमें तेल ज़्यादा नहीं डाला था तो इसलिए मसाला तेल नहीं छोड़ेगा, मसाला हल्का हल्का कढ़ाई से पकड़ रहा था। उसके बाद हमने सोचा कि अब इसमें ऐड कर देते हैं मटर, ऐड कर देते हैं नहीं तो मसाले जलने लग जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल तो था नहीं तो तेल छोड़ेगा या फिर तेल में मसाले पकेंगे। और उसके बाद मटर को भी भूना अच्छे से, मटर भूनने के बाद इसमें गरम गरम पानी डाल दिया है, काफ़ी ज़्यादा ग्रेवी लग रही है ना, गाढ़ी गाढ़ी लग रही है, इसमें बिल्कुल पानी ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि पूरियों से खाएंगे पतला हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, टेस्टी नहीं लगेगा। नमक ऐड करके इसको ढक देंगे पकने के लिए, उबाल आ जाएगा। उसके बाद इसमें पनीर ऐड कर देंगे, और पनीर ऐड करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे पनीर का भी, ताकि जो इसका जूस है पनीर के अंदर जाए और अच्छा टेस्टी बन जाए। उसके ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी है, कसूरी मेथी भी डाल सकती हैं। फाइनल लुक ये है, तो पनीर की सब्जी भी बन के रेडी है। तो हे गाइस, आज मेरा बर्थडे है, मैं तैयार हो चुकी हूं, जिसका बर्थडे है वो मैं हूं, मैं बर्थडे गा लूं। बाय बाय गाइस। ये सजावटें भी मैंने की है। गोलू का बर्थडे इस बार इतना ज़्यादा स्पेशल था, इतना ज़्यादा स्पेशल था कि क्या ही बताएं। मतलब 2 साल से गोलू का बर्थडे नहीं मनाया जा रहा था, मेरी तरफ़ से भी स्पेशल था और इनके पापा की तरफ से। पिछले 2 साल में आप सबको भी पता होगा कि कोरोना ने कितना ज़्यादा आतंक मचा रखा था, ना घर से बाहर निकलना होता था, ना कुछ दुकानों पर केक मिलता था। मैं सोचती थी घर पर ही केक बना दूँ, लेकिन केक बनाने के लिए सामान जो चाहिए होता था वो भी नहीं मिल पाता था। तो 2 साल से गोलू का बर्थडे नहीं मनाया जा रहा था। और दूसरी चीज़ ये है कि गुलू का बर्थडे 19 मई को आता है, जिसमें भयंकर गर्मी रहती है। गर्मी में तो बस किचन में ये होता है कितनी जल्दी कुछ बने और निकल जाए, मन ही नहीं होता है कुछ इस तरीके से बनाने का, मसाले वाला सब्जी, ग्रेवी वाली सब्जी या फिर थोड़ा सा तीखा चटपटा। और ये सारा केक आप सभी के लिए है, इतनी सारी शुभकामनाएँ आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर दी कि क्या ही बताएँ, एकदम से मतलब मन गदगद हो गया, इतना दिल खुश हुआ कि क्या बताएँ। और यहाँ पे गोलू अपने गुब्बारे फोड़ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे केक कट कट करके सबको दे देंगे, बच्चे खाएंगे और पांडे जी खाएंगे। मुझे तो खाना है नहीं केक, 4 महीने से बिल्कुल हमने मीठा उठा सब कुछ छोड़ दिया है। अब मेरा मन भी नहीं होता, चाहे घर में कितना भी पड़ा रहे लेकिन मेरा मन नहीं होता देख के भी खाने का। और कल तो इतनी ज़्यादा थकान मुझे लगी थी, इतनी ज़्यादा थकान लगी थी, थकान मीन्स मतलब नींद लगी थी, थकान नहीं लगी थी, ये हो रहा था कितनी जल्दी सो जाएं, क्योंकि जब हम सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाते हैं तो रात को जल्दी नींद आने लगती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमारी तरफ से आप सब लोग ये केक खाइए, और कैसे खिलाएं आप सबको, कट करके खिलाएं या फिर ऐसे खिलाएं कैसे खिलाएं समझ नहीं आ रहा है आप सबको।
ये लीजिए, केक खा लीजिए। आप लोग भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए, आप सब भी केक खा के। तो केक बच्चों को दे दिया है, मुझे नहीं खाना, वैसे भी मुझे ये सब नहीं पसंद है। बच्चे खाएंगे अपना जब मर्जी करेगा। और बच्चों को कट करके भी दे दिया है। 9:30 बज चुके हैं रात के, अभी पूरियां नहीं बनी हैं और सैलेड नहीं कटा है, केक वो कट चुका है। सुबह मतलब कितने पहले से तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन इतना सारा टाइम हो चुका है। सबसे पहले ये घड़ी बड़ी निकालेंगे, चूड़ियां निकालेंगे, फिर से पूरियां बनाएंगे, सब लोग खाएंगे। और सबसे पहले बाल को जूड़ा बनाएंगे। इतनी ज्यादा गर्मी वाली, इतनी भयंकर वाली गर्मी में गोलू का बर्थडे होता है कि कुछ भी मन नहीं होता है। लेकिन फिलहाल इस बार का गोलू का बर्थडे इतना स्पेशल था, इतना मजा आया कि क्या ही बताएं। सुबह से ही मतलब मजा आ रहा था आज के बर्थडे में, पता नहीं क्यों ऐसा। 2 साल से गोलू का बर्थडे नहीं मनाया गया था और मुझे लगता है 2 साल की पूरी तैयारी इस बार हुई है। इनके पापा ने काफी जोरदार मतलब बर्थडे मनाया है, बहुत मजा आया। केक कटिंग हुई, दिखाने से ज्यादा मतलब एंजॉय करने में मजा आता है। उतना ज्यादा कैमरे में या फिर फोटो खिंचवाते हुए ना भूल जाते हैं, जब हम सब रियल अपना एंजॉय करते हैं जैसे रियल में होता है, उतना ज्यादा कैमरे पे ध्यान नहीं होता है। होता चलो एंजॉय करो, बाद में फोटो हो जाएंगे। तो ये केक सब आपके लिए है, आप सब लोग केक खाइए। मीठा तो अभी रखा हुआ है, खोला ही नहीं गया है, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, फटाफट से कामों को निपटाते। खाना पूरा बन चुका है, डिनर पूरा बन चुका है, पूरियां सिर्फ फ्राई करने को है, पापड़ फ्राई करने को है। देखते हैं क्या फ्राई करते हैं क्या नहीं, पहले सब लोग केक वो खा लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। मैंने फटाफट से पूरियां बनाई, थाली लगा दी। बच्चे तो कब का खा पी के सो भी गए होंगे और बस हम और ये बचे हुए थे। रात के 12 बजे तक हम दोनों का काम चलता रहा, ये तो बाहर पूरा समेटते रहे जो भी सजाया वजाया गया था, और अंदर मैं खाना खाने बैठी थी। पूरियों में से हमने 2 लोई बचा ली थी, उसकी हमने 2 रोटियां बनाई थी। रोटी भी मुझसे नहीं खाई जा रही थी, जैसे खाना अंदर जा रहा था नहीं बाहर आ रही थी। बस 1 रोटी खाया और प्यास लगी थी, 1 गिलास पानी पिया, जबकि खाना खाते समय पानी नहीं पीते। सो फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।